और मेरे सामने जितना मुस्कुराओगे उतना अच्छा चित्र बनेगा। और मेरे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आ चुका है। अब जब किसी को राजा बनाना है तो उसका श्रृंगार करना जरूरी है या नहीं? मुकुट पहनाएंगे, आईब्रो लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, काजल लिपस्टिक सब लगा के अच्छी तरह तो फरिश्ता का भी थोड़ा श्रृंगार करना है। दिव्य शक्तिशाली आंखें क्या अभी भी कई माता ऐसे बैठे हैं बोले अरे ट्रेनिंग चल रही है जब तक नहीं करो कुछ होने वाला नहीं है, सब हाथ उठा मेरे सामने दिव्य शक्तिशाली आंखें पवित्र मुस्कुराता हुआ चेहरा। भाई जी कर लीजिए ना, सभी सिर्फ बैठने से नहीं होगा क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आपने आज तक जो किया बहुत अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया, ये थोड़ा करके देखिए आपके चित्र बड़े अच्छे बनेंगे। फिर देखो योग में बैठ के ये नहीं करना, ये सब जब आप योग में बैठोगे मेरे सामने फरिश्ता ये सब हाथ नहीं लगाना, ये सिर्फ अभी के लिए। ट्रेनिंग में जब आदमी जाता है ना बंदूक चलाने के लिए तो ट्रेनिंग में ही फायर करता रहता है दिन भर, है कि नहीं, क्योंकि सीखना है उसको, और बाद में घर भी जाके फायर करता रहता है सबको। वो बंदूक सिर्फ लगता है, जरूरत पड़ने पर यूज करता है, हाँ या ना? तो ऐसे ही जब जरूरत पड़े थोड़ा स्मृति में गायब हो गया तो एक्शन कर लेना, तो अभी करोगे नहीं तो कैसे होगा? करेंगे करोगे। चलो बोलो मेरे सामने मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आ चुका है। चमकता हुआ मस्तक, मुस्कुराता हुआ चेहरा, दिव्य शक्तिशाली आंखें, दुर्गम नयन, पावन चेहरा, पैरों से लेके मस्तक तक रोशनी ही रोशनी, शुद्ध प्रकाश, वाह खूबसूरत शक्तिशाली दिव्य आनंदमय दिव्य सुगंध फैलाने वाले। सभी कर रहे हो? जो करेगा वही पाएगा, उसको ही अनुभव होगा। अगर मैं नहीं करता हूं क्योंकि ये भक्ति करने वाली है, सिर्फ सुनने वाली नहीं है, नहीं मैं तो मेरी तो आदत पड़ी है ना भक्ति में भी सुन सुन के आया हूं, सुन लो कोई बात नहीं, लेकिन कर लो देखना कितना अच्छा। बोलो मेरे सामने शुद्ध प्रकाश से सजा हुआ पवित्र प्रकाश में शरीर, एक शब्द रोज यूज करना है कि इस ब्राह्मण शरीर से अलग, बोलो इस ब्राह्मण शरीर से अलग, नया संपन्न संपूर्ण पवित्र सूक्ष्म चमकीला, वाह कितना सुंदर फरिश्ता स्वरूप बन चुका है। जब आप नया घर बनाते हो बुद्धि धीरे धीरे कहां लगती है? कहां लगती है? तो ऐसे ही धीरे धीरे बुद्धि कहां लगेगी? सूक्ष्म शरीर फरिश्ता। और जब पूरा बुद्धि लग जाएगी इस शरीर से हट जाएगी या नहीं? नया घर उधर बन रहा है, पुराने घर में रह रहे हो, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बुद्धि कहां लगेगी? कितना परसेंटेज? 5%। छत पड़ गया बुद्धि कहां लगी? कितना परसेंटेज? 20%। प्लास्टर हो गया, खिड़की दरवाजा लग गए, कितना परसेंट लगी? बोलो ना बड़ा बड़ा। 50%। चलो फर्स्ट फ्लोर भी बन गया, कितनी बुद्धि लगी? बढ़ाओ सभी बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ। अभी कलर हो गया, बोलो बोलो सभी बोलो, दरवाजा खिड़की पर्दा लग गया, सब कुछ लग गया, किचन का सामान ऐसी फ्रिज कूलर सब कुछ, बेडरूम आ गया, छोटी मोटी चीजों की जरूरत, फोटो कैलेंडर घड़ी सब कुछ, पंखा सब कुछ, क्लीन एंड क्लियर सब कुछ रेडी है। अभी नया घर तैयार है और पुराने घर छोड़ के नया घर में जाना है। 100% 99%
तो बाबा कहते हैं नाम मात्र इस शरीर में आपको रह के गर्म करना है, जैसे बाबा मुरली में एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं, बहुत अच्छा, कि मक्खन से जैसे बाल, हाँ बोलो, तो इस शरीर से आत्मा कैसे निकलनी चाहिए, ऐसी मुस्कुराता, क्योंकि मेरा नया घर ऑलरेडी रेडी है, अगर मैं बनाए नहीं तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, क्योंकि अगर नया बना लिया तो खुशी खुशी से, तो इसीलिए फरिश्ता स्वरूप बनाना जरूरी है। बोलो बोलो, मेरे सामने ये असंपूर्ण फरिश्ता बन चुका है, धीरे धीरे ऊपर 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 और ऊपर, सूक्ष्म बदन में ऐसे नहीं कर पाता है, ऐसे सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा बाबा के पास दृष्टि देता हुआ 24 घंटे के लिए स्थित हो गया है। नीचे कर लो, लग रहा है, अगर नहीं भी लग रहा तो हाँ जी बोलो, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अनुभव होगा। पहले दिन जाके कोई फुटबॉल खिलाड़ी नहीं बन जाता है, पहले दिन जाके कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बन जाता है, पहले दिन जाके कोई फाइटर नहीं बन जाता है, थोड़ी सी अभ्यास करोगे, वैसे पहले दिन से ही अनुभव होगा आपको, क्योंकि इतने सालों से